परमेश्वर के धन्य नाम को इस अच्छे दिन में महिमा मिलने पाए। आज सुबह हम लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय का 61 और 62वां वचन पढ़ें। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इन अनुग्रहित वचनों के आधार पर पहले किसे, इस पर एक साथ विचार करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बुलाए हुए हम में से हर एक क्या पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? आइए हम परमेश्वर में सौंपकर ये जांचें कि आज हम पहला स्थान किसको देते हैं। आज वास्तव में परमेश्वर के पीछे चलने में सफल होने वाले लोगों से भी ज्यादा वो लोग हैं जो कभी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निकले तो थे लेकिन बाद में असफल हो गए। यहां पर पहला व्यक्ति यह इच्छा दिखाता है कि हे परमेश्वर, आप चाहे जहां भी जाएं मैं आपके पीछे चलूंगा। लेकिन परमेश्वर के उत्तर से वहां यह प्रकट होता है कि उसका रुझान सांसारिक वस्तुओं को महत्व देने में है। इस प्रकार पहला आत्मिक सत्य जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले हम लोगों को सांसारिक और वित्तीय अवस्थाओं को त्याग कर उनसे भी बढ़कर परमेश्वर को महत्व देने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति यीशु के पीछे चलने से पहले कुछ व्यवस्थाओं को परमेश्वर के सामने रखता है। वो कहता है कि हे परमेश्वर, पहले मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। प्रियजनों, परमेश्वर यहां ये नहीं दर्शाता कि हम अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य का निर्वहन ना करें, बल्कि परमेश्वर यहां चाहता है कि उस व्यक्ति की पहले मैं कि ये विचारधारा बदले। जो व्यक्ति पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है वो अपने परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाला व्यक्ति होगा, होना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें परमेश्वर से ज्यादा महत्व देना सही नहीं। पहला व्यक्ति जब परमेश्वर से ज्यादा महत्व सांसारिक और वित्तीय अवस्थाओं को देता है, तब दूसरा व्यक्ति सामाजिक जिम्मेदारियों को अधिक महत्व देता है। यहां पर तीसरा व्यक्ति, हे प्रभु, मैं आपके पीछे चलूंगा, पहले मुझे अपने घर वालों से विदा लेकर आने दे, ऐसा कहता है। प्रियो, आप ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों से प्रेम से बर्ताव करने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन यहां इस व्यक्ति ने हार का अनुभव किया। यीशु मसीह से बढ़कर सांसारिक कामों को महत्वता देकर दूसरे व्यक्ति के समान यह भी कहता है, पहले मेरे, और ऐसे थे उसके मन के भाव। यहीं पर एक बदलाव की जरूरत होती है। पहले मेरा नहीं बल्कि पहले परमेश्वर का होना चाहिए। प्रियो, आज अगर संक्षेप में कहा जाए तो हम किसे प्रधानता देते हैं? आज किसको हम पहला महत्व देते हैं? क्या हम प्रधानता परमेश्वर को देते हैं, या यहां देखे गए तीनों व्यक्तियों के समान सांसारिक चीजों से प्रेम करते हैं, या हमारी नौकरी या पेशे के प्रति हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, या हमारे लिए हमारे परिवार को दी जाने वाली महत्वता ज्यादा बड़ी है? मैं फिर से कहता हूं कि मुझे गलत मत समझिए, हम इन सब कही गई बातों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर में बाध्य हैं, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्रधानता पहले मेरा, पहले मैं की विचारधारा ना होकर पहले परमेश्वर को, पहले परमेश्वर का, ऐसा एक बदलाव अगर हमारे जीवन में होता है तो हम सफलता के साथ परमेश्वर के पीछे चलने वाले होंगे। एक इंग्लिश कविता में इस प्रकार कहते हैं, हे परमेश्वर, आपके क्रूस को लेकर चलने के लिए मैं आपकी संगति में हूं। सब कुछ छोड़कर मैं आपके पीछे चलता हूं। मेरा केवल परमेश्वर और स्वर्ग ही है। संसार मुझे छोड़ सकता है, मेरा अपमान कर सकता है। संसार ने मेरे परमेश्वर को भी छोड़ दिया था। चाहे शत्रु मुझसे घृणा करें, चाहे मित्र मुझे छोड़ दें, लेकिन आपके मुख का दर्शन मैं पाऊं वो कितना प्रकाशमान होगा। इस अनुग्रहित दिन में हमारी जिम्मेदारियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी प्रधानताओं को फिर से क्रमबद्ध रूप में परमेश्वर को सबसे पहले हम प्रधानता दें। पहले परमेश्वर, उसके बाद बाकी सब। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।